अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज़ अली और आप देख रहे हैं शहबाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सॉकेट के अंदर डबल करंट का कनेक्शन करेंगे, यानी एक यूपीएस पे भी ये सॉकेट काम करेगी और वापडा पे भी यह सॉकेट काम करेगी। इसके अंदर हम डबल जो वायरिंग है वो करेंगे, ये यूपीएस पर भी काम करेगी और वापडा पर भी काम करेगी। यानी जब वापडा की लाइट ऑफ होगी तो फिर ये यूपीएस पे काम करेगी, जैसे ही वापडा की लाइट आएगी तो फिर ये वापडा पे काम करेगी। तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल इसकी वायरिंग करेंगे और मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें एक सॉकेट चाहिए। सॉकेट के देखें दो पॉइंट होते हैं और एक हमें सिंगल वे स्विच चाहिए और इसके भी दो पॉइंट होते हैं। और इसके लिए एक हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे और इसके तीन पॉइंट होते हैं। देखें, सेंटर वाला कॉमन पॉइंट होता है और ऊपर नीचे ये ऑन ऑफ होता है। अभी हम इनके कनेक्शन करते हैं। सॉकेट और सिंगल वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट है, इनको हम आपस में मिला लेंगे। यानी वन वे स्विच है, इसका नीचे वाला पॉइंट और सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को हम आपस में मिलाकर एक वायर की मदद से आपस में कॉमन कर देंगे। तो इस तरह से हम देखें एक वायर लेंगे, इसको हम जो सॉकेट का नीचे वाला पॉइंट है इसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। तो वायर के दूसरे सिरे को हम जो सिंगल वे स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से ये देखें हम इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो अभी हम इसके साथ टू वे स्विच का कनेक्शन करेंगे। जो टू वे स्विच का सेंटर वाला पॉइंट है, इसमें से हम एक वायर लेंगे और इस वन वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर देंगे। जो वन वे स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट में इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम एक वायर की मदद से इनको आपस में मिला लेंगे, इसके अंदर इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो अभी हम इनमें वापडा का कनेक्शन करेंगे और यूपीएस का कनेक्शन करेंगे और सॉकेट के अंदर हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल के लिए हम एक वायर लगा लेंगे और सॉकेट के एक इस पॉइंट में हम इसका कनेक्शन कर देंगे। ये देखें, सॉकेट के एक ऊपर वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। जो अभी टू वे स्विच के दो पॉइंट बचे हैं, एक पॉइंट के अंदर हम यूपीएस का कनेक्शन कर देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर हम वापडा का जो फेस का कनेक्शन है वो कर देंगे। तो ये देखें, अभी हम फेस का कनेक्शन कर दें, वापडा वाली जो तार है टू वे स्विच के एक पॉइंट में कर देंगे, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसमें कर देंगे। चाहे ऊपर वाले पॉइंट में कर दें, चाहे नीचे वाले पॉइंट में कर दें, एक वायर इस तरफ लगा देंगे और दूसरी वायर हम इस तरफ लगा देंगे। और ये वाली वायर हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल करेंगे और टू वे स्विच का जो एक पॉइंट बचा है इसके अंदर इसका हम कनेक्शन कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। जी तो दोस्तों, इनके कनेक्शन कर लिए हैं। स्विच को हम नीचे तरफ ऑन करेंगे तो ये यूपीएस पे काम करेगा, इस स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो ये वापडा पे काम करेगा। और इस स्विच की मदद से हम सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी ये स्विच ऊपर की तरफ ऑन है, यानी ये वापडा पे काम कर रहा है। तो सॉकेट अभी ये वापडा पे काम करेगी, जैसे ही वापडा ऑफ होगी तो फिर हम इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो ये यूपीएस पे सॉकेट काम करेगी। तो अभी हम इसके अंदर बल्ब लगा कर चेक करते हैं और इसको चला कर चेक करते हैं। तो ये देखें, एक होल्डर हमने ले लिया है, इसके अंदर वायर लगा लिया है। तो अभी हम इस सॉकेट में इसको लगा लेते हैं, इसके बाद हम इसको चला कर चेक करते हैं। देखें, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखें, ये हमारी सॉकेट काम कर रही है। जैसे ही वापडा ऑफ होगी तो ये हमारा एलईडी बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे स्विच को हम नीचे की तरफ ऑन करेंगे, यानी यूपीएस पे ऑन करेंगे, ये हमारी सॉकेट यूपीएस पे काम करेगी। ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो वापडा अभी भी है, यानी बिजली अभी बंद है, जिसकी वजह से सॉकेट हमारी काम नहीं कर रही। ऐसे ही वापडा आएगी तो ये सॉकेट हमारी दोबारा से वापडा पे काम करेगी। तो इस स्विच की मदद से हम सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें दोस्तों, ये अभी यूपीएस पे काम कर रहा है सॉकेट, और ऊपर की तरफ करेंगे तो ये वापडा पे काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों, हम एक सॉकेट को यूपीएस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं और वापडा पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक टू वे स्विच की मदद से और एक सिंगल वे स्विच की मदद से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।